गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो मैं देखिए बहुत ही खूबसूरत सी जगह से आज अपना जो इंट्रो दे रही हूँ, और ये है हमारा नैनी लेक के पास में जो बोट हाउस के क्लब के पास में जो बोट स्टैंड है वहाँ पे। और दादा आप स्टार्ट होने के बाद भी बोल सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं स्टार्टिंग में बोल दे रही हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने में, और दादा जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम लोग बोटिंग करने जाने वाले हैं आज। और फिर से मैं ज़्यादा स्पीड में बोलने लगी हूँ, मुझे याद दिलाएगा कि थोड़ा धीरे धीरे बोला करो, क्योंकि इतने सारे वो आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चले बोटिंग करने। ये वाली बोट सही है, बाप रे ये क्या हो रखा है नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स, कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ मैं लेक का हाल क्या हो रखा बारिश के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही एक्साइटेड होके आई थी क्योंकि काफ़ी सालों बाद जो है ना मैं बोटिंग करने के लिए आई थी। अगर मगर जैसे मैं यहाँ पे पहुँची ना, पता नहीं तो मैं हकला रही हूँ इतना ज़्यादा। तो ये देखिए, यहाँ पे जो लेक में से जो कूड़ा निकाला गया है वो सब यहाँ पे ढेर लगाया गया, जो कि बारिश के साथ बह के वापस जा रहा है लेक में। और मैं वहाँ पे जब इंट्रो दे रही थी, मैंने यूँ पीछे देखा तो मेरी ना आँखें ऐसी होगी कि मेरे को क्या है ये यार। ये देखो यहाँ पे क्या हाल हो रखा है लेक का, ये देख रहे हैं आप, बहुत ही गंदी हो रखी है लेक साइडों में। बीच में तो ठीक है, लेकिन बारिश के बाद, हर बारिश के बाद ये हाल है। ये देखिए आप, बॉटल्स ही बॉटल्स यहाँ देख रहे हैं आप, क्यों इतना कूड़ा लेक में है। मतलब बरसात की स्टार्टिंग में ये क्या हाल हो गया है लेक का, यहीं पे इतना कूड़ा पड़ा हुआ है, पूरा कूड़े से पटी हुई है लेक में ये। तो चलिए मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को लेक के अंदर। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ, देखते हैं हम लोग कैसे मस्ती करने वाले, पर मुझे डर भी लगती है थोड़ी सी। तो दागर आ रही, टिकट लेने गई है वो। तो फ्रेंड्स, इतने टाइम बाद में बोटिंग करने, बट मेरा दिल ना बहुत दुखा है सच में। बोटिंग करने से ज़्यादा जो खुशी थी ना मेरे बोटिंग करने की, वो इस सबको देख के मेरे दुख में बदल गया। वो सब बहुत बुरा लग रहा है, प्लास्टिक की बॉटल्स पूरी, बहुत बुरा लग रहा है ये सब देख के, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है मुझे ये सब देख के। मैं बता नहीं सकती कितना बुरा मुझे लग रहा है। मैं खुद कभी कहीं भी नहीं फेंकती हूँ कूड़ा, और मैं औरों को भी मना ही करती हूँ कि ना फेंके कहीं भी यहाँ वहाँ कूड़ा। और यहाँ देखिए ज़रा किस किस को हम रोक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है खूबसूरत सी लेक लेक और लेक व्यू। तो सामने से देखिए आ रहे हैं बादल उड़ उड़ के, क्लाउड्स ना, फॉग नहीं होता, क्लाउड होता है ना। इसकी टीचर ने इनको, इनकी टीचर ने इनको पढ़ाया, टीचर को बदनाम करती है फालतू में, करूँ मैं तो उनकी टीचर मजाक में बोलती थी गाइस। तो फ्रेंड्स, हमारी यात्रा जो है शुरू हो चुकी है बोटिंग की, और मैं काफ़ी सालों के बाद बोटिंग कर रही हूँ। आज मैं बैठी नहीं हूँ, जब दागर तू छोटी सी थी ना, जब ये लड़की हमारी छोटी सी हुआ करती थी तब हम बोट पे बैठे होंगे। तो बहुत ही अच्छा सा लग रहा है मतलब अभी तो। तो भैया जो हमको लेके जा रहे हैं, हमारी पहचान वाले ही हैं, तो आए तो आप इनसे, अगर आपको ये दिखते हैं तो आप इनकी बोट में बैठ सकते हैं, बहुत सिंपल सोबर इंसान है। तो ये देखिए सामने से बोट हाउस क्लब, और पता नहीं कैसे दागर तूने प्लान बनाया फटाफट से एकदम से इन दोनों बोटिंग करने आ गए, वरना हमारे कोई प्लान ही नहीं बनता, कभी लंच का कभी डिनर का कोई प्लान बन ही नहीं रहा था हमारा। मैं तो कब से बोल ही रही थी, तो बन नहीं रहा था ना, तो बोटिंग का भी आज कैंसिल होते होते ही रह गया, बारिश पड़ गई थी इतनी ज़्यादा। फिर भी वाओ, उसको पता ही नहीं बेचारे को हम बोटिंग करने आए, तो नोनी को बताया ही नहीं। बहुत दूर है वहाँ भी, क्लाउड तक वहाँ थोड़ी रहेंगे, क्लाउड्स निकल जाएंगे आगे। दागर बोले अंकल वहाँ चलते जहाँ क्लाउड्स, क्लाउड्स वहाँ रहेंगे क्या, वो दूर दिखेंगे तुझे और भी क्लाउड्स भी है। अच्छा, उसके लिए तलीताल में बोटिंग करनी पड़ेगी। तो ये वाला कितना कहाँ तक है आपका एरिया यहाँ पे, यहाँ ये वाला एरिया कहाँ तक है आपका? हाँ, क्लासिक तक। अच्छा, अभी पागल हो गई है, तुझे तैरना आता, हमको नहीं आता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स बहुत ही मज़ेदार था नज़ारा, आप देख सकते हैं लेक के बीचों बीच से, तो बहुत सुंदर मनमोहक। तो बोट्स के जो रेट है ना, उसमें आपको जैसे 420 में पूरा लेक राउंड लगेगा, और हाफ लेक राउंड 320 में लगेगा। तो पूरा लेक राउंड का मतलब ये नहीं होगा कि आपको यहाँ से लेकर तली ताल तक पूरा घुमाया जाएगा, वो हाँ सिर्फ क्लासिक होटल के पास से लाइब्रेरी तक फुल में। अच्छा, फुल राउंड आपको लाइब्रेरी तक ले जाया जाएगा, और उसके बाद फिर वापस घुमा के यहीं पे लाया जाएगा, हाफ राउंड क्लासिक तक। अच्छा, बोर्ड लेके हर कोने में गए हैं। अच्छा, तो फ्रेंड देखिए सामने से भी लोग ब्लॉगिंग व्लॉगिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दागा वहाँ सामने जा, मेरी वीडियो बना। मुझे लगा आप बोलोगे कि आप सामने। अच्छा दागा, तू मैं ओ भैया भैया, मैंने इसको उठने बोला, भैया भैया मेरे फोन से बना ए लड़की। हाँ हेलो फ्रेंड्स, आमा का फोन है, आमा का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली, मैं इतने सालों के बाद बोटिंग कर, लास्ट में हमारा प्लान बना था, अमित हम सब सोच रहे थे बोटिंग करने जाएंगे, लेकिन मैं अमित, मैं अनमोल और अदिति हम लोग एक बार भी नहीं जा पाए, जबकि अमित ने उन दिनों 2-3 बार बोटिंग कर ली थी यहाँ पे, और आज दादर की वजह से पॉसिबल हो पाया कि मैं बोटिंग करूँ। तो मेरे को रास्ते में जाते हुए अदिति तुम्हारी याद आई थी, अनमोल तो दुकान में रहेगा, मुझे लगता था तुम होते तो हम तीनों साथ में आ सकते थे, बुला देते कॉल करके, याद आ रही थी। तो या तो आज तो घर में होगी, कहाँ होगी, क्या पता मेरे बुलाने पर, फिर कहाँ
भाभी आपके बहाने थे, फिर आई स्वेयर मुझे याद आई थी, मैंने सोचा है दीदी को साथ में चलता अरे आप, पर मैं नहीं कर पाई कॉल ना, तो कैसा पीछे बैकग्राउंड अच्छा रहा बैकग्राउंड? यस एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा है बैकग्राउंड में बच, तो अगर कर रही है ये ब्लॉगिंग पता नहीं कैसे कर रही है वहाँ से भी मैं कुछ बोलूंगी फिर आप बात। मैंने भेजा था सामने की जा मेरे को शूट कर ले थोड़ा सा, तो इसने शूट करना तो मैं लोगों को शूट करने लग जा रही हूँ, तो वाओ बहुत ही मज़ेदार, तो मैं हर किसी को शूट करते जा रही हूँ मेरी वजह से। तो ये दागर को देखिए, ये अपनी सेल्फीज लेने में बिजी हो रही है। तो मेरी तो तुमने ली फोटो, पता नहीं अच्छी ली की खराब ली है। नहीं कभी कहीं नहीं जाएगा किस लिए। तो फ्रेंड्स ये है खूबसूरत नज़ारे, लेक के बीचों बीच हम पहुंच गए और सामने से बहुत ही खूबसूरत, मुझे क्लाउड्स के अंदर जाना है, वो नहीं जा सकते हम, मछली दिखा आएगा ना इधर। दागर को कोहरे के बीच जाने का बड़ा मन कर रहा है, मुझे क्लाउड्स के अंदर जाना है, क्लाउड्स के अंदर जाना है। अब कल परसों जाएगी ना तो फ्लाइट तेरे क्लाउड्स के अंदर से ही जानी है। तो फ्रेंड्स सामने पीछे देखिए नैना देवी मंदिर, और ये है ठंडी रोड इधर को, हम लोग अभी तक मॉल रोड की तरफ ही शूट कर रहे थे, ठंडी रोड को शूट करना भूल गए थे। तो यहाँ पे देखिए सामने शनि महाराज जी का मंदिर, गुरुजी देवता साहिब का मंदिर, और शिव भोलेनाथ का जो मंदिर है वो, और ऊपर डिग्री कॉलेज वाला वो एरिया। तो ये है खूबसूरत नज़ारा, और सामने से बादल आते हुए, बारिश ना पड़ जाए कहीं भीगे ना हम दोनों, तो ये मुझे अम्ब्रेला भी नहीं लेके आने दी, अरे भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा, भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखो ऊपर कैसे लग रहा है बादल, वाव लग रहा है वाव। ये है सामने क्लासिक होटल, बहुत ही सुंदर मनमोहक अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बादलों के बीच, तो ये देखिए तारे ज़मीन पे होते हैं, यहाँ पे बादल लेक में है। यही पे उसका आने का वेट कर सकते हैं क्या थोड़ी देर? नहीं बस आ गया इतना ही, हवा से उधर को चल जाएगी ना। तो फ्रेंड्स ये देखिए कैसे उड़ उड़ के आ रहे हैं बादल। लाइब्रेरी दागर झुक मत इधर को, डरा रही है तू मुझे लड़की। लाइब्रेरी देखो कैसे धुंधली दिख रही है, तो देखिए पूरा कोहरा आ गया यहाँ पर, कोहरा कोहरा हो गया है पूरा का पूरा, बहुत ही आनंद आ रहा है, आनंद भवती अच्छा लग रहा है, कोहरा उड़ उड़ के आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए कोहरा उड़ उड़ के कहाँ तक पहुँच गया अभी, ये लंदन फॉग बोलते हैं ये है दागर, पहले अमित लोग बोलते हैं लंदन फॉग कुछ, तुझे भी नहीं पता ना, मुझे तो कुछ पता होता ही नहीं वैसे ही। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, हवा चल पड़ी है, इधर को साफ हो गया बिल्कुल, देखो है ना इधर को हवा आ रही है, तो हवा से बिल्कुल साफ़ हो गया है, इस साइड को बिल्कुल साफ़ है देखो, और अरे राम इधर को देखो आईला, ये देखिए जी नज़ारे, मेरे को ना जैसे बोट हिल रही है ना, तो मेरी सांस रुक जा रही है, सांस से थमना कहते हैं जिसको, वो हो जा रहा है मेरे संग, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। और वहाँ पे सूर्य महाराज, सूर्य देव जी सूर्यास्त की तैयारी में है। ये हम लोग इधर को आ चुके हैं, ये नैनीताल का मल्लीताल क्षेत्र, कितना अच्छा वीडियो आया मुझे को। तो फ्रेंड्स दागर चली उल्टे काम करने, कह रही मैं बोट चलाती हूँ, मेरे को लग रही डर, भैया कह रहे कुछ नहीं होता, और मैं उतनी डरपोक। तो दागर बोट चलाना सीखती हुई, तो भैया इसको बोट चलाना सिखा रहे हैं। ओहो ये दागर बोट चला रही है, मारी है। दागर कह रही बहुत मारी है, तू बोट कहाँ चला रही, पानी उछाल रही पूरा। दागर क्या कर रही है? तो फ्रेंड्स दागर बोट चला रही है यहाँ पे देखिए, तो भैया ने इसको दे दी बोट, कोई और तो नहीं देता भैया हमारी जान पहचान वाले, तो भैया ने रिस्क ले लिया, इसको खुद को तो स्विमिंग आती, मुझे ही नहीं आती स्विमिंग, दागर भैया को भी आती होगी डेफिनेटली जब बोट चला रहे हैं, तो स्विमिंग आती नहीं आपको? लैप चलाती रहा। ले देख तेरा मुंह मरना। तो दागर रुक जा। ओ बाप रे, ये चलाई दागर ने बोट, लो भाई दागर बोट चलाती हुई। तो भैया ये बोट चला सकते हैं ना, कल को नौकरी नहीं मिली तो हम यही लगा देंगे, बोट ले लेंगे हम इसके लिए।
आप इंतजाम कर देना वोट का एक। आपको फोटो ले किसी वीडियो ली? फोटो ले रही हूँ, साथ में वीडियो बना रही हूँ। हाँ अच्छी फोटो है। अब तेरे जैसी शक्ल होगी, बाल बाल सारे मुंह पे आ रहे तेरे, जुल्फे कर तो भैया बोर्ड चलाना बहुत मुश्किल काम है, ये मत सोचना कि बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल है। पता चल रहा ना, लगता है ना बड़ा इजी है, और ट्रेनिंग होती होगी, इसकी भी प्रैक्टिस होती होगी, ऐसे थोड़ी ना चला पाए है, ट्रेनिंग होगी ना। हाँ इसे पूरा पानी बोर्ड के अंदर डाल देगी कितने है? अच्छा 3-4 महीने की ट्रेनिंग होती है। अच्छा अच्छा तभी तो सही बात है। वही तो सही बात है, तभी तो फ्रेंड्स ट्रेनिंग होती है 4-5 महीने की बोटिंग चलाने के लिए। आप ऐसे नहीं चला सकते हो कि आए बोट पकड़ी और सीधे चल दिए, जैसे दागा ने पकड़ दिया वहाँ और इसकी हालत खराब होगी। घुमा अच्छा भैया कह रहे मैं घुमा के देता हूँ, कह रही घूमते कैसे हमें बाहर किनारे तक, तू ही लेके जाने वाली है क्या हमें? तो फ्रेंड्स आ गए हैं, पूरा कोहरा 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 हो गया। देखिए हम लोग कोहरे के बीच में ही है कहीं, तो बहुत ज़्यादा कोहरे के बीच में तो नहीं है मगर है कहीं तो, और मछलियाँ दिख रही है। तो दागर से बोला कि आप चलाओगे, दागर कह रही नहीं हो गया बहुत, अब बस हो गया, 2 मिनट भी नहीं चला पाई ना, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल है। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो चलिए देखिए भैया इतने दुबले पतले से फिर भी इतने मजे से चला देते हैं, दागर हमारी नहीं चला पाई, तो ये कोहरा कोहरा हो गया। चलो एक फ़ोटो लेते हैं हम दोनों अपनी सेल्फी। अबे यार वीडियो भी क्यों आ जाती है, मैं फ़ोटो लेने लगी थी फिर वीडियो पे आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स पिक्चर लेते लेते वीडियो वीडियो मोड में रहता ना कैमरा, एक्चुअली मेरा हमेशा अच्छी नहीं आ रही थी, तेरे फ़ोन पे अच्छी आती फोटोग्राफ बस। तो फ्रेंड्स शनि मंदिर के सामने से अब हम लोग चल पड़े हैं वापस उधर की तरफ, और सामने माता रानी का मंदिर है, जय बहुत ही खूबसूरत सुंदर नज़ारा। तो ये हमारा आज का बोट से विहंगम दृश्य जो हमने आपको दिखाए हैं, और हमने भी खुद काफ़ी समय बाद देखे हैं ऐसे विहंगम दृश्य, बहुत ही खूबसूरत अति खूबसूरत। मैं लोगों को ना अच्छा मैं वीडियो के बाद बताती हूँ। तो भैया हाफ राउंड कितने मिनट में पूरा किया आपने? 20 मिनट का हाफ राउंड बस, 320 में 320 में बस 20 मिनट। तो अपने 420 में आधा घंटा, 320 में सिर्फ 20 मिनट बस। तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग 20 मिनट घूम के वापस आ चुके हैं। ओ वाओ कितना सुंदर लग रहा है सामने से, तो बहुत ही खूबसूरत सा। तो काफ़ी टाइम के बाद हम लोगों ने आज बोटिंग करी है, बहुत अच्छा भी लगा है। यहाँ पे सामने में है कैपिटल सिनेमा, मैया जी का मंदिर था, गुरुद्वारा साहिब था, वहीं पर मार्केट तो आप लोगों को पता है वहीं पर है। तो ये देखिए यहाँ से जो व्यू है बहुत ही सुंदर आ रहा है, अति सुंदर। तो फ्रेंड्स आज बहुत ही सुंदर मौसम बना था, दिन भर तो बारिश थी लेकिन शाम को जब बारिश रुकी ना तो बहुत ही प्यारा सा मौसम। और हम लोग आ चुके हैं वापस, तो ये है बोट स्टैंड जो कि मैं हमेशा उस तरफ से दिखाती हूँ, आज इस तरफ से दिखा रही हूँ। तो सामने बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं, तो लोग ना यहाँ पर बोट में आते हैं बर्थडे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, बोट लेके अंदर जाते हैं। क्या करना? बोट हाउस क्लब जाना है, हमारे पास मेम्बरशिप ही नहीं है। पहले तो मिचल की मेम्बरशिप थी तो हम लोग जाते थे ना, मिचल के बाद हम भी नहीं गए। तो फ्रेंड्स बस किनारे में आओ ना तो वही कूड़ा कचरा वही सब दिख रहा है, उसको देख के फिर खराब मन ख़राब हो जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, लेकिन वही लास्ट में जब हम यहाँ किनारे में पहुँचे तो कूड़ा देख के मन ख़राब हो गया। तो ये हुआ है हमारे साथ। तो चलिए बहुत अच्छा रहा हमारा बोटिंग का एक्सपीरियंस, बहुत ही मज़ेदार था। तो भैया बोट को किनारे में लगाते हुए और हम लोग अब देखिए यहाँ तक पूरी फॉग आ गई है, देख ले अब तो बोल लगी थी ना तब, ये देखिए तो पूरी फॉग यहाँ पहुँच चुकी है। तो हम लोग पहले उधर को जा रहे थे कि जाना है करके, देखिए बहुत ही सुंदर। तो फ्रेंड्स हम लोग बोटिंग करके वापस आ चुके हैं और बहुत ही मज़ा आया सच में। बीच में जब मैंने आज बोट चलाना सीखा तो दागर ने मतलब छुट्टियों का फ़ायदा उठाया, कुछ तो काम करा से सीखा बोट चलाना, होगी पूरी आप चला देगी अगली बार से। तो बोट चलाना भी सीख लिया दागर ने, और हमारे पीछे आप देख सकते कैसा हो रहा है मौसम, बिल्कुल फॉगी फॉगी से हो गया। जब हम लोग यहाँ से बैठे थे ना उस समय थोड़ी सी धूप सी थी यार, मैं ना स्पीड में बोलने की आदत अपनी चेंज नहीं कर पा रही हूँ जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ कभी कभी। तो फ्रेंड्स अब ना आज का जो ब्लॉग है इसको हम लोग यहीं पे देते हैं पूर्ण विराम, और कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ। तो चले दागर अपनी सेल्फी लेने में बिजी है, तो ऐसे ऐसे मुंह बना बना के सेल्फी ले रही है। तो चलिए फ्रेंड्स कल को फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, बाय।